कि आप आई सर्जन है और आई केयर के बारे में बताते हैं लेकिन ये है सेवन का क्या सीन है तो जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था आई वॉज वेरी यंग एंड एनर्जेटिक सो आई थॉट कि अब सातों दिन हम हॉस्पिटल चलाएंगे आई विल बी देयर ऑल सेवन डेज सो सेवन स्टैंड फॉर सेवन डेज ओपन इन अ वीक बट देन ओवर द टाइम वी रियलाइज कि सात दिन खोलना थोड़ा सा इशू आता है hmm. स्टाफ्स को भी इशू आता है हर hmm. बंदा एक दिन का छुट्टी तो डिजर्व करता है हफ्ते में सो देन नाउ सेवन स्टैंड फॉर सेवन आई सुपर स्पेशलिटीज तो जैसे हमारी आंख है hmm. ये आंख भी जो है इसको सात स्पेशलिटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं hmm. जैसे कॉर्निया आंख का शीशा उसकी hmm. अलग स्पेशलिटी है hmm. लेंस का ऑपरेशन करना है उसकी अलग स्पेशलिटी है पर्दे का ऑपरेशन है उसकी अलग स्पेशलिटी है काला मोतिया ग्लूकोमा उसकी अलग स्पेशलिटी है स्क्विंट होता है जिसमें आंखों में भेंगापन होता है तिरछापन होता है उसकी अलग स्पेशलिटी है आंख की एक नस होती है जो आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है उसकी अलग स्पेशलिटी है hmm. बच्चों की अलग स्पेशलिटी है क्योंकि hmm. बच्चों की आंखें एडल्ट से अलग होती है सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि एक हॉस्पिटल में सारे सुपर स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर्स बैठे हैं एंड आज की डेट में जो ट्रीटमेंट्स अमेरिका और यूरोप में अवेलेबल हैं सेम लेवल के ट्रीटमेंट हम इंडिया में अब दे पा रहे हैं सो दिस द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आई सेवन। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है लेसिक सर्जरीज में एक ही दिन में इन्होंने मैक्सिमम लेसिक सर्जरीज की हैं। लेसिक सर्जरीज़ क्या है इस right. जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की आंख में चश्मे का नंबर ज्यादा चल रहा है आज की डेट में आप स्कूल में जाएंगे तो आपको मिलेगा पचास की क्लास है तो पच्चीस से तीस बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ा हुआ है अगर आप चाइना की बात करें तो वहां पे करीब लोगों को आंख में चश्मा चढ़ गया है कोरिया की बात करें नाइनटी टू परसेंट लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया है सिंगापुर की बात करें एट्टी एट लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया है और अब ये जो ट्रेंड है ये धीरे धीरे इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो हो रहा है एंड इसके पीछे दो तीन कारण जो है वो समझ में आ रहे हैं कि सबसे पहला कारण होता है आंख में चश्मे आने का कि जेनेटिक लेकिन ये जो सडन ट्रेंड दिख रहा है कि एकदम से बहुत ज्यादा चश्मा लगना शुरू हो गया इसके दो मेन कारण है पहला कारण है

Sun exposure लोगों का है नहीं, नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आ रहा है सामने scientific reason कि मैं देखता हूँ कई सारे लोग आंखों में कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाना शुरू कर देते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस हमारी आंखों के लिए बहुत ही डेंजरस चीज है क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस की हाइजीन बहुत अच्छे से लोग में और उसमें अगर किसी तरह का बैक्टीरिया इंफेक्शन रह गया और आपने अपनी आंखों पर लगा लिया तो आंखों में बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस आंखों की नजर भी जा सकती है और आप देखेंगे जो रेगुलर कॉन्टेक्ट लेंस व्ययर होते हैं वो कंटिन्यूस कंप्लेन करते हैं कि हमें इरिटेशन रहती है लाली रहती है पानी निकलता रहता है ड्राईनेस रहती है तो अगर चश्मा पहनने का मन नहीं है तो आजकल बहुत ज्यादा एडवांस प्रोसीजर्स अवेलेबल है जिससे हम आपका चश्मा पूरी लाइफ के लिए हटा सकते हैं सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है उसका नाम है लेसिक

तो अगर आठ से नीचे है नंबर तो आप इन लेजर वाले टेक्नोलॉजीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं और अगर आठ नंबर से ऊपर है आपका चश्मे का नंबर तो आईसीएल वाला लेंस वाला ऑपरेशन होगा